आशा गणेशा कृपा सिंधु दीन बंधु गुणाधीशा गणेशा तूच दाता तू विधाता तूच आशा गणेशा कृपा सिंधु दीन बंधु गुणाधीशा गणेशा तुझिया चरणा सीता ही दुख विनाशी अनंता तुझिया चरणा सीता ही दुख विनाशी अनंता तुझा ठाई मन हिराहो हीच आता मनीषा तूच दाता तू विधाता तूच आशा गणेशा कृपा सिंधु दीन बंधु गुणाधीशा गणेशा निराशा कृपा सिंधु दीन बंधु गुणाधीशा गणेशा तुझिया चरणा सीता हे दुख विनाशे अनंता तुझिया चरणा सीता हे दुख विनाशे अनंता तुझा ठाई मन हेरा होईच आता मनीषा विधाता तूच आशा गणेशा सुजी, अगर ये कल की मीटिंग सक्सेसफुल होगी तो शायद हमें अगले वीक जर्मनी जाना पड़ेगा। सर सिद्ध, आई एम बिजी। सुजी, आप वो त्यागी साहब को जरूर फोन कर लेना और जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है उसके पॉलिटिशियंस को डिबेट के लिए बुला लेना है। ओके सर। सिद्ध, तुम गए नहीं अभी तक? सर आज घर जरा जल्दी जाना है, मेरे बिल्डिंग में गणपति बैठ रहे हैं, उनकी पूजा है। तो ठीक है, आकाश की स्टोरी कंप्लीट कर दो, उसके बाद चले जाओ भाई। आकाश, आकाश। जी डैड। क्या है ये? हाँ? क्या है ये? अबे घंटू चंद, मैं दिन रात एक कर रहा हूँ तेरे वास्ते, पैसा कमा रहा हूँ तेरे वास्ते, और तू शाम को 7 बजे उस 2 टके की लौंडिया के साथ भागने का प्लानिंग कर रहा है। डैड, मैं पूजा से प्यार करता हूँ। अबे प्यार क्या तेरे ने? बेटा देख इधर आ, प्यार व्यार कुछ नहीं होता, ये लड़कियां ना बेवकूफ बनाती है। चल मैं तुझे दिखाता हूँ तेरे वास्ते क्या क्या रखा है हमने। चल 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 चल, आजा 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 आजा। ये देख पूरे 1 करोड़ रुपए रखे हैं तेरे वास्ते। सोचा था कि बिरादरी की एक लड़की के साथ तेरी शादी होगी तो ये सब तुझे दे दूंगा, लेकिन एक बात याद रख, अगर तूने पूजा से शादी की तो ये पैसे, ये घर, गाड़ी सब भूल जाना। हाँ, अब बता तुझे पूजा चाहिए या पैसा? डैड प्रैक्टिकली देखे तो पैसा ज्यादा अच्छा है, तो मुझे पूजा नहीं पैसा मंजूर है। शाबाश बेटा शाबाश, आज तूने साबित कर दिया तू मेरा ही बेटा है। आजा गले लग जा मेरा बच्चा। देखा तेरा जलवा, देखा तेरा प्यार, तेरा इमोशनल अत्याचार, प्यार की कस्में खाने वाले प्रेमी जोड़े किस तरह से अपने रंग बदलते हैं, कभी तो लालच के शिकार होते हैं तो कभी अपने माँ बाप के इमोशनल अत्याचार से बेजार होते हैं। तो देखना ना भूलिएगा, पटेल खुश होना चाहिए बस। इस प्रोग्राम का दूसरा भाग आज रात ठीक 10 बजे, पूजा हुई पप्पू की। प्रसिद्ध, कमाल कर दिया यार, कमाल। क्या लिखा है तूने? अपने इस कलम की धार को यूं ही बनाए रखना मेरे दोस्त। वैसे एक बात बता, किस ब्लेड से छीलता है अपनी पेंसिल को? चल रे भवानी, तू नहीं सुधरेगा। हाय। कहाँ है तू? आज जल्दी आने के लिए कहा था ना तुझे। हाँ बस अभी निकल रहा हूँ। पापा आ गए क्या? अब वो कहाँ आएंगे, उनका कोर्ट मैटर है, फोन भी नहीं उठाएंगे आज वो। ठीक है आई, मैं अभी ऑफिस से निकल रहा हूँ, जल्दी आना। हाँ योर ऑनर, मेरा फोन बार बार बज रहा है, आधे घंटे से बज रहा है,
मैं जानता हूं ये मेरी बीवी का फोन है। हमारे घर में गणेश पूजा है आज और मेरी बीवी पूजा का थाल लिए मेरा इंतजार कर रही है, लेकिन मैं यहां खड़ा हूं आपके सामने क्यों? क्यों साठे क्यों? क्योंकि मेरा काम ही मेरी पूजा है योर ऑनर। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। अरे क्या वाह वाह, मुशायरा चल रहा है क्या इधर? डोंट गेट इमोशनल साठे, बिंदु की बात करो। सर, बिंदु के डांसेस और एक्टिंग के बारे में बाद में भी बात हो सकती है, मेरी आपसे गुजारिश है कि केस पे फोकस किया जाए इस वक्त। साठे साठे साठे, बिंदु की बात करो यानी पॉइंट की बात करो, जस्ट कम टू द पॉइंट। तो बिंदु पे आते हैं, मेरा मतलब है पॉइंट पे आते हैं। आप मुझे ये बताइए कि इस जमाने में लोगों को सबसे ज्यादा कर्ब क्या करता है? इंटरनेट नहीं, मोबाइल नहीं। अगर आज के बच्चों को सबसे ज्यादा कर्ब करता है तो वो है अश्लील साहित्य, आवारा पड़ोसन, जवानी का भूचाल। आंटी हसीना। थैंक यू आंटी हसीना। ऐसी अश्लील किताबें पढ़ता है ये आदमी जिस उम्र में ज्ञान और भक्ति की किताबें पढ़नी चाहिए उस उम्र में मस्तराम की किताबें पढ़ रहा है ये आदमी। अब आप ही बताइए कि ऐसे गिरे हुए इंसान के साथ भला एक मासूम औरत कैसे रह सकती है? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मेरे मुवक्किल पे बेबुनियाद इल्जाम लगाया जा रहा है। एक बार मान भी लिया जाए कि गुलगुले इस तरह की किताबें पढ़ता है, पर उसका इस केस से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है योर ऑनर। अब आप ही सोचिए कि जो इंसान इतना गिर सकता है, अश्लील साहित्य पढ़ता है, वो घर में बीवी के होने के बावजूद बाहर रंगरलिया मना सकता है योर ऑनर। मिलॉर्ड, मैं चाहता हूं कि किसी भी नतीजे पे पहुंचने से पहले यह अदालत इस केस के हर पहलू पर गौर करे। हाँ, सबूतों की अच्छी तरह से जांच करने और केस के हर पहलू पर रोशनी डालने के लिए अदालत को थोड़ा वक्त चाहिए। और अदालत पुलिस को यह हुक्म देती है कि फौरन गुलगुले के घर छापा मारकर और भी जितनी इस तरह की किताबें वो सब जब्त कर ली जाए और जब्त करके सीधी मेरे पास लाई जाए। मैं उन्हें अच्छी तरह से पढ़ूंगा। मतलब अच्छी तरह से जांच पड़ताल करूंगा। तब तक के लिए यह अदालत बर्खास्त की जाती है। थैंक यू यार, आप बाहर जाइए। कंग्रेचुलेशन सर। थैंक यू सतीश। लगता है इस बार आपकी सिल्वर जुबली हो ही जाएगी। नहीं नहीं सतीश, सिल्वर जुबली होने में अभी एक और केस चाहिए। ओ, अभी तक तो ये सिर्फ 24वां डाइवोर्स केस है। हाँ भाई हाँ, आ रहा हूँ आ रहा हूँ। ज्ञान गुरु, मेरे कॉलेज में एक लड़की है, मैं इश्क दारियां फिल्म का गाना उसे डेडिकेट करना चाहता हूँ। भाई प्यार में पड़ी साशी की फरमाइश को भला मैं कैसे? एक बात बता सिड, ये पटेल का प्रॉब्लम क्या है? जब भी घर जल्दी जाना होता है ये कभी नहीं छोड़ता। उसको छोड़, वो हमेशा बिजी रहता है। तो ज्ञान गुरु का प्रोग्राम सुनना। अरे भाई ये लोग भी ना, दो दिन का प्यार, थोड़ी सी तकरार, फिर हो जाएगी पूजा किसी और पप्पू की। साहब, आप वकील हो क्या? नहीं, पायलट हूं, पायलट। दिखता नहीं है वकील, डाइवोर्स स्पेशलिस्ट। क्या बात कर रहे हैं साहब, आप डाइवोर्स कराते हैं? साहब हमारे तो भाग खुल गए साहब। क्या मतलब? साहब हम अपनी बीवी से बहुत परेशान हैं साहब, हमारा भी डाइवोर्स करा देने साहब। अरे भाई तू टैक्सी चलाना, वैसे भी मैं पहले से परेशान हूँ, गाड़ी को आज ही खराब होना था। साहब हम जैसे गरीब का दर्द आप जैसा लोग नहीं समझेगा तो कौन समझेगा साहब? अच्छा बता क्या प्रॉब्लम है तेरा? साहब
मेरी बीवी ना छोटी छोटी बात पे लड़ाई करती रहती है, झगड़ा करती रहती है। अब देखो ना साहब, हर बात पे इतना खुश रखता हूँ उसको, बेलन लेके ऐसे ऐसे जगह मारती है साहब। आपको मैं दिखाता, पब्लिक प्लेस जगह है साहब। ए भाई, तू मुझे कुछ मत दिखा, आगे देख, गाड़ी चला। साहब, तेरा लव मैरिज हुआ था या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज है साहब, माँ बाप की पसंद, तभी तो फंस गया हूँ ना साहब। मारू क्या एक कान के नीचे? अरे माँ बाप की पसंद पे उंगली उठाता है? नसीब वाला है तू, जो माँ बाप ने तुझे एक अच्छी लड़की पसंद करके दी होगी। यार रोक दे गाड़ी। देखो ये साठे है ना, सिर्फ लव मैरिजेस का डिवोर्स करवाता है, अरेंज मैरिज का नहीं। आई हेट लव मैरिजेस। ये ले एंड कीप द चेंज। मुझे लव मैरिज से सख्त नफरत है। गाड़प सर्वांगी सुंदर उठी नुराची, कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची, जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती, जय देव जय देव रत्ना खचित परा तुझ गौरी कुमारा, चंदनाची उठी कुंकुमेश्वरा, शोभतो बरा रुणझुणती नुपुरे चरणी घागरिया, जय देव कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, गणपति बाप्पा मोरिया, मंगलमूर्ति मोरिया। वाह, मी वर्जन पोहे ची तैयारी करते हैं। अरे थाम थाम ग स्वाति बेटा, बहुत दिनों से आपका गाना नहीं सुना, तो आज एक भजन सुना दीजिए। स्वाति अगर मन ना करते सांगता है नहीं उड़ा। नहीं पापा मैं आता। अरे मेरे लिए नहीं तो कुछ नहीं, सिड के लिए सुना दीजिए। मैं भाई के साथ पोहा बनाती हूँ। चल 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 चल। लास्टली मैं भी जाता हूँ। हाँ ये लो। हाँ लड़करणी, मुझे लगता है अब हम इन दोनों की शादी के बारे में कुछ सोचना चाहिए। साठे तुम तो जानते हो, जब से स्वाति की माँ गुजर गई है तब से मैंने ही उसको माँ और बाप दोनों का प्यार दिया है। अब वो बड़ी हो चुकी है, खुद के फैसले खुद करती है। लेटर डिसाइड, आई डोंट माइंड। हाँ, जानता हूँ। आओ चलो। आई मंगेश भाव से कॉल। आओ भाई मंगू। मंगेश भाव कैसी है आई? कैसी है आई, परसों फोन नहीं किया तूने, आई की याद नहीं आती ना? याद तो बहुत आती है आपकी आई, पर क्या करूं, काम में इतना बिजी रहता हूँ कि पता ही नहीं चलता। जेनिफर कैसी है? जेनिफर? आई जेनिफर बहुत अच्छी है, लो आपसे बात करना चाहती है। हेलो आई, कशी आईस? अरे यू आर स्पीकिंग मराठी, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। आई आई लव यू। लव यू, लव यू बेटा। आई गणपति बप्पा मोरिया। अरे वाह, मोरिया मोरिया गणपति बाप्पा मोरिया। हेलो मंगेश, एक मिनट। हाँ स्वाति ला बोला है, बोल बोल। हेलो मंगेश भाऊ। हाँ स्वाति, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आप मुंबई कब आ रहे हैं? सून, वेरी सून। नेक्स्ट टाइम मुंबई आएंगे तो हमारे घर पे पक्का आना है। पक्का स्वाति, मैं जब भी मुंबई आऊंगा तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। जी एक मिनट। ओके दादा, फोन रखता हूँ। आई ये बाबा क्या बार बार स्वाति को लेके पीछे पड़े रहते हैं मेरे? क्यों, तुझे नहीं पसंद स्वाति? स्वाति अच्छी लड़की है आई, लेकिन मैं उसको उस नजर से नहीं देखता। तो तुझे कैसी लड़की चाहिए रे? मुझे मुझे तो ऐसी लड़की चाहिए जो धमाका हो। जो कच्चा उंगली थप्पड़ धमाका। मेरा तो ही चांगला धमाका। पिछले 4 साल से देख रहा हूं साठे, अब बस भी करो ना, बुला लो मंगेश को घर पे। अरे आखिर वो भी तो तुम्हारा बेटा है। बेटा था, मतलब था, वो मेरा बेटा था। जब वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना, मैं खुद गया था, पूरे कोर्ट में पेड़े बांटते फिरता था, मैं खुश था।
तब वो मेरा बेटा था। तो लेकिन उस लड़की के साथ उसने जब शादी करने का फैसला किया, तब से वो उसका पति हो गया। वो क्या है, वो नाम उसका, वो जेनिफर। हाँ वही वो जेनिफर का पति है, वो मेरा बेटा नहीं है। ये देख साठे, अगर तू कहे तो मैं बात करूं क्या उससे? हो सकता है वो मेरी बात मान जाए। लेकिन हम में से किसी को उसके साथ बात करनी ही क्यों चाहिए? अरे अरे, उसने सब कुछ किया है अपनी मर्जी से। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना तो पुणा में जॉब मिली तो पुणा चला गया, हमें यहां छोड़ के। वो भी उसकी मर्जी थी। उस जेनिफर के साथ उसने शादी कर ली, वो भी उसकी मर्जी थी। अरे उसके सामने मैंने क्या किया? मैंने अपनी मर्जी का एक किया, उसको घर से निकाल दिया। उसने हमें उसके मन से निकाल दिया, मैंने उसे अपने घर से निकाल दिया। तो अगर वो जो कुछ भी करता है उससे आप कुछ नहीं कहते और मुझे एडवाइस देते फिरते हो। वो भी बोलती रहती है मुझे, और तू भी बोलता रहता है। नहीं, उसने मेरी मर्जी के खिलाफ जो कुछ भी किया वो गलत किया। वो अपनी गलती मान के अगर वापस आना चाहता है तो मेरे घर के दरवाजे खुले, लेकिन गलती मान के आएगा तो, नहीं तो नहीं। हाँ आजा, आज किससे लड़के आई है? जब इकट्ठे तेरा पारा चढ़ा रहता है, कभी ठंड भी रखा कर, आज क्या हो गया? कैसे ठंड रखूं? ये गाड़ी वाले सड़क को जागीर समझते हैं। सच बोल रही हूँ मम्मा, एक दिन मिल गए ना सबकी गाड़ियों के टायर पंचर कर दूंगी मैं। ओहो बस कर अपनी ये चूचा पड़। पहले ही मैं अमृता को लेकर बड़ी टेंस्ड हूँ यार। अब क्या हुआ, फिर से नई डिमांड? 2 लाख रुपए। 2 लाख? मम्मा 2 महीने पहले हमने 3 लाख रुपए दिए उन्हें। वही तो, मेरी बेटी तो ना लालची भेड़ियों के बीच में फंस गई है, क्या करूं मुझे समझ ही नहीं आता। वैसे तो उसे फोन कर लेना। हाँ मैं बात करती हूँ। मम्मा हाँ, आपकी आंखें क्यों सूजी हुई है, रात भर सोई नहीं आप? तेरे पापा ने सोने ही नहीं दिया। हाँ मम्मा, सो रोमांटिक मम्मा। ओ खाक रोमांटिक, गैस बन गई थी सारी रात ना। मम्मा नो रोमांस। अरे बौजी फिर से चले तेरी ता कड्डा जुती लवा चितर सारे दे सारे मेरे खाने पे नजर है। ओ एक पाद क्या मार दिया, कोई बम मार दिया, कोई ट्विन टावर गिरा दी तुम्हारी। आशीष जी आ गए। आशीष जी, ओए आशीष पुत्र। अरे अंकल। ओए आशीष पुत्र। ओए यार कैसे हो आप? बहुत अच्छा हूँ, इतने दिनों बाद याद आई तुझे मेरी। हैं अंकल, याद रोज आती थी, बस एक काम से सिडनी जाना पड़ गया। अच्छा, और आज सुबह ही वापस आया हूँ, सीधा आपके पास आ गया। ये मेरी जान। और आप बताइए घर पे सब ठीक है? फर्स्ट क्लास। आंटी खा के मोटी होती जा रही है यार। अमृता और शन्नू का क्या हाल है? बेटा अमृता अपने ससुराल में है और शन्नू आज ही एक कोई चैनल ज्वाइन करने जा रही है। चैनल? हाँ। That's great अंकल, कौन सा चैनल? यार वो अपने दोस्त का एक चैनल है, उसका नाम क्या है, वो चालू चैनल। चालू चैनल? May I come in, sir? Yes, come in शन्नू। He is Sid, कंपनी का राइटर है। Hi. He is भवानी कंपनीज एंकर पर्सन। Hi. And she is शन्नू कपूर, as a writer मैंने इसे यहाँ बुलाया है। Sir, from when I can start my work? What do you mean by when? भाई आज क्या बल्कि अभी से। Sit down, एक नए एपिसोड के ऊपर डिस्कस करना है। Sure sir. Yeah.
हाँ सिद्ध बोलो। सर मैंने 3 स्टोरीज रेडी की हैं सर। पहली लुंगी उठती है और इज्जत लुटती है। क्या उठती है? लुंगी। लुंगी सर। दूसरी तो सुनिए, सैया थानेदार तो डर काय का। सर तीसरी तो बेस्ट है। अच्छा। जमाना हैरान लड़कियां परेशान, फिर आया कास्टिंग काउच का शैतान। स्टोरी तो ठीक है लेकिन भाई दम नहीं है, पकड़ नहीं है, यू नो। मसाला तो मंगता सर। व्हाट डू यू से शनो, एनी आइडिया? सर जो ये फिर आया कास्टिंग काउच का शैतान, इसकी जगह अगर हम कर दें ओ आ आउच, फिर से कास्टिंग काउच, कैसा रहेगा सर? आ आउच, फिर से कास्टिंग काउच, टीआरपी तो मिल गई सर। आई थिंक सो व्हाट डू यू से सिद? सर अगर आपको अच्छी लगती है तो ठीक है सर। तो डन, वेरी गुड, वर्क ऑन दैट, नो प्रॉब्लम। ब्रिलियंट सर। ओके कैरी ऑन देन, डू योर वर्क, सिट डाउन, यू कम विद मी, कम। वेरी नाइस। तू क्या बोल रहा था आज मीटिंग में? ये जो लड़की है ना छन्नो, बहुत तेज है, बच के रहना। तू बड़ा बोल रहा था, मसाला मांगता है सर, उसकी साइड ले रहा था। अरे मैं तो तेरी साइड हूँ यार, तू भी ना। आ गई सो शुरुआत अच्छी रही तुम्हारी, यू विल गो फार छन्नो। थैंक यू सर, लुकिंग फॉर योर गाइडेंस एंड सपोर्ट। खैर बाय, सी यू ऑल टुमारो। गाइडेंस एंड सपोर्ट दूंगा इसको, छोड़ना। चल आज साबियो के अड्डे पे। नहीं यार मेरे को बहुत लेट हो रहा है आज, मैं तेरे को कल मिलता हूँ। चल। अच्छा तेरा और नेहा का क्या है बे? वेल वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स। जस्ट गुड फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड्स। ये सुनते सुनते मुझे 5 साल हो गए पुत्र, कहानी आगे भी तो बढ़ाना। हाँ बेटा कितना टाइम लगाओगे, तेरी जगह तेरी मम्मी होती तो अब तक शादी करके 2-3 बच्चे पैदा कर दिए होते। हा? नहीं मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई देखो लड़का खानदानी है, पंजाबी है, और सबसे अच्छी बात यह है कि अमीर है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि आज सुबह दुकान पे आया था होटल पे, झुक के मेरे पांव छुए उसने। हा? पापा प्लीज, और भी गम है जमाने में इस शादी के सिवा? ओ पुत्र गम तो शादी के बाद भी बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन ये खानदानी लड़का हाथ से निकल गया ना तो बाद में पछताती रह जाएगी। हाँ बस यही कह के ना अपने अमृता दी की शादी करा दी। पर मैं अमृता दी नहीं हूँ पापा, कि आप किसी भी गाय की तरह मुझे किसी भी खूटे से बांध दो। प्लीज शादी के लिए मुझे फोर्स करना बंद कर दो, हद होती हर चीज की। देख रही है कैसे जुबान चलाने लगी है, जैसे सारी गलती मेरी हो। छोड़ो ना, आप खाने पे कॉन्सेंट्रेट करो। अब मुझको छोड़, उसको पूछ ले उसने भी कुछ खाया कि नहीं खाया है। शनो पुत्र दरवाजा खोल, खाना खा ले। नहीं खाना। अच्छा ठीक है खाना मत खा, दूध तो पी ले, खाने से तेरी क्या दुश्मनी है? मम्मा बोला ना मुझे ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है, आप प्लीज जाओ यहाँ से। अच्छा ठीक है कुछ मत खा, अमृता को फोन तो कर ले, उसका फोन आया था। हाँ हेलो। हेलो दी। हाँ शनो बोल। वैसे मम्मी बता रही थी तुम्हारे ससुराल में कुछ प्रॉब्लम। शनो शांत रहे यार, माँ है वो, बस कुछ भी बोलते रहती है, तू ना उसकी बातों पे ज्यादा ध्यान मत दे। प्यार करती है ना वो मुझसे बहुत ज्यादा, इसलिए फिक्र लगी रहती है। पर सच बताऊं मेरे ससुराल वाले ना मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, और तेरे जीजू जी के बारे में मैं क्या बोलूं, वो तो मुझसे इतना प्यार करते हैं कि अब मुझे जिंदगी से और कुछ नहीं चाहिए। खैर वो सब रहने दे, ये बता कि तेरे आज ऑफिस का पहला दिन था ना, कैसा रहा आज? ऑफिस का पहला दिन इट वाज गुड, बाकी सब ठीक है सिवाय उस सिद्धार्थ साठे के, समझ में नहीं आता उसे मुझसे प्रॉब्लम क्या है। आज पता है मीटिंग में इतना एटीट्यूड दिखा रहा था ना। खैर
वो टेंशन मत ले, मैं उसे संभाल लूंगी। तू बस अपना ख्याल रख, ओके? हाँ, कुछ बताना था तुझे। ओह यस, मेरा शो आने वाला है, शार्प 9 o'clock, चालू चैनल, ओके? तू फटाक से टीवी ऑन कर और देख, ठीक है? हाँ हाँ, ठीक है, तू रख फोन, मैं टीवी ऑन करती हूँ। मम्मा, मेरा शो आने वाला है, टीवी ऑन करो। हाँ ही तू, बोल। अरे यार, ये लड़की तो बहुत ही तेज निकली, इसने तो आते ही सिक्सर लगा दिया। लगता है इसे क्लीन बोल्ड करना ही पड़ेगा। अरे उसको क्लीन बोल्ड बाद में करना, पहले टीवी देख, पता चलेगा। टीवी? हाँ, आउच, फिर से कास्टिंग काउच। जी हाँ, फिर से एक बार कास्टिंग काउच के कीचड़ से पूरी फिल्म इंडस्ट्री का मुंह काला हो गया। टीवी की आवाज कम कर रहे हैं? हो बाबा, ना भूलिए दोस्तों, कर तो है। अरे वाह शन्नो वाह, तुमने तो आते ही एक हफ्ते में कमाल कर दिया। और वो तुम्हारी कास्टिंग काउच वाली प्रोग्राम की स्टोरी की टीआरपी तो वाह, वेरी गुड। थैंक यू सो मच हितू। वैसे ना तुम मेरी मंकी मैन वाली स्टोरी जरूर देखना, वो बहुत मजेदार होगी। वो मंकी मैन वाली स्टोरी भी तुम्हारी है? हाँ, पटेल सर ने ना आज ही मुझे असाइनमेंट दिया है। नाइस नाइस, कांग्रेट्स। थैंक यू। सेठ, तू तो गया बेटे। सर, ये सिद्धार्थ। सर ये मैं क्या सुन रहा हूँ, मंकी मैन वाली स्टोरी भी शन्नो कर रही है, उसने तो पूरी की पूरी स्क्रिप्ट लिख डाली सर। मैंने ही कहा है उसे सिद्ध, व्हाई आर यू गेटिंग अपसेट? आई थिंक शी हैज गॉट पोटेंशियल, और वैसे भी स्टोरी फाइनल नहीं हुई है, फाइनल करने के लिए मैं उसे तुम्हारे पास ही भेजने वाला था। सर, आई एम द वन हु राइट्स द फर्स्ट ड्राफ्ट एंड द लास्ट ड्राफ्ट ऑफ द प्रोग्राम। आई नो सिद्धार्थ, यू आर द वन हु राइट्स द फर्स्ट ड्राफ्ट एंड द फाइनल ड्राफ्ट। भाई कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ तुम्हारे ऊपर काम का बर्डन ज्यादा पड़ रहा है, इसलिए मैंने सोचा एक और राइटर ले आता हूँ, तो तुम दोनों मिलकर कंपनी का नाम ऊंचा करो। एंड सिद्धार्थ। यस सर। ये हितू की क्या प्रॉब्लम है, कुछ खोया खोया नजर आता है। सर वो उसकी गर्लफ्रेंड है ना नेहा, जो उसकी बिल्डिंग में रहती है। गर्लफ्रेंड नेहा, वो जो एक दो बार ऑफिस में भी आई थी। सर उसकी कहीं और शादी पक्की हो गई है। ओ हो 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 हो, पुअर चैप। ओके ठीक है, कैरी ऑन। थैंक यू सर। यू आर ब्रिलियंट सर। या डू यू बिलीव इन मैरिज? या ऑफ कोर्स। यू बिलीव? या। ओके। सिडी क्या है, तुमने मंकी मैन स्टोरी की लाइंस चेंज कर दी? या। किससे पूछ के? किससे पूछ के मतलब? आई डिडंट गेट यू, हु आर यू? एक्सक्यूज मी, वो प्रोग्राम मेरा है, वो असाइनमेंट पटेल सर ने मुझे दिया था। असाइनमेंट चाहे जिसका भी हो, जहां तक फाइनल ड्राफ्ट का सवाल है, मिस शन्नो व्हाटएवर योर नेम इज, वो मैं डिसाइड करूंगा उसमें क्या होना चाहिए या क्या नहीं। नाउ एक्सक्यूज मी, आई हैव बेटर थिंग्स टू डू। तुम गई नहीं अभी तक? व्हाटएवर। इस शैतान से कोई ना बचा, ना राजा ना रंक, और इस तरह से छा गया मंकी मैन का आतंक। भवानी क्या बोल रहा है यार तू? कट इट, क्या हुआ सिड? क्या प्रॉब्लम है? ये लाइंस वो नहीं है जो मैंने लिखी थी। वही तो बोल रहा हूँ जो लिखा है। स्क्रिप्ट किसने दी? शन्नो ने। सिड, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। सिड, अरे यार समझा उसको। ये सब क्या है शन्नो? क्या हुआ? मैंने जब एक बार स्क्रिप्ट फाइनल कर दी थी, तुमने उसमें दोबारा चेंजेस कर दिए। सिड, माय प्रोग्राम, माय असाइनमेंट, माय स्क्रिप्ट। आई एम द वन हु राइट्स द लास्ट ड्राफ्ट, नॉट यू। व्हाटएवर सिड, आई एम नॉट गोइंग टू चेंज। वी हैव टू शूट दिस नाउ। इम्पॉसिबल भवानी, ये वो स्क्रिप्ट नहीं है जो मैंने फाइनल की थी। भवानी, टेक दिस एंड शूट। क्या करूं? छोड़। सिड, लेट हिम शूट। व्हाट द हेल? पड़ गई कलेजे में ठंडक। अब मैंने क्या किया?
तुमने कुछ नहीं किया, तुम तो कभी कुछ करती नहीं हो। यू नो व्हाट सिड, तुम्हें ना मुझसे कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम है। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं ये जॉब ही छोड़ देती हूँ और भी गम इस जमाने में इस जॉब के सिवा। एंड आई एम श्योर मेरे में इतना तो टैलेंट है कि मुझे इससे बेहतर नौकरी मिल जाएगी। ना ना, तुम क्यों नौकरी छोड़ रही हो? आई थिंक आई शुड लीव दिस जॉब। आई थिंक आई शुड डू सम मोर इंटेलेक्चुअल मीडिया रादर देन दिस टीआरपी गेम। सो ऑल द बेस्ट एंड यू कीप दिस जॉब। एक्सक्यूज मी सिड, सिड आई एम टॉकिंग टू यू। क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? ये स्टोरीज टाइम पे क्यों नहीं आ रही है? मुझे दुख इस बात का नहीं है कि तुम दोनों एक दूसरे को कॉपरेट नहीं कर रहे हो, लेकिन दुख इस बात का है कि यू पीपल आर नॉट टेकिंग योर जॉब सीरियसली। यू डोंट रिस्पेक्ट योर जॉब्स। सर वो टैलेंट। कीप क्वाइट। क्या कह रही थी तुम? कहीं और जॉब मिल जाएगी, इससे बेटर जॉब मिल जाएगी? एंड यू मिस्टर सिद्धार्थ, यू वॉन्ट टू डू इंटेलेक्चुअल मीडिया? इंटेलेक्चुअल मीडिया माई फुट। क्या होता है इंटेलेक्चुअल मीडिया? नेताओं के भाषण, उनके इंटरव्यूज, घंटों तक लाइव टीवी पे लॉ एंड ऑर्डर की बातें चल रही होती है और नतीजा क्या निकलता है? सर, आपको ये सब किसने बताया? I have my own people. मेरे अपने जासूस हैं जो सब पे नजर रखते हैं। But let me tell you one thing. You both have disappointed me like anything today. जानते हो लुंगी वाला बाबा? जेल के अंदर है वो आज। Casting couch. वो स्टोरी बाहर आई तो हजारों लड़कियां हमसे मिलना चाहती थी। क्यों? They just wanted to thank us. और तुम दोनों को लगता है कि मैं TRP's के लिए इस चैनल को चला रहा हूँ? Wrong. कान खोल के एक बात सुन लो, यू बोथ, अगर नौकरी करना चाहते हो यहाँ पे तो मिलके करनी पड़ेगी, वरना दोनों गेट आउट फ्रॉम दिस ऑफिस। सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, मैं आपको शिकायत का मौका पक्का नहीं दूंगी सर दोबारा। आई एम सॉरी। हाँ हाँ सर, मुझसे भी गलती होगी, मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गया। एक चांस तो बनता है सर। हम आपको फिर शिकायत का मौका नहीं देंगे। सर, फ्रेंड्स। ऑलराइट, एक मौका देता हूं। फ्रेंड्स, लेकिन तुम दोनों को ये प्रूव करना होगा कि तुम दोनों मिलकर काम कर सकते हो और अच्छा काम कर सकते हो। बट सर, ये हम प्रूव कैसे करेंगे? मतलब सर, हमें करना क्या होगा? हाँ, एक ऐसी न्यूज लानी होगी जो शहर में तहलका मचा दे। समझ गए? समझ गए सर। धमाकेदार न्यूज क्या हो सकती है यार? क्या स्टिंग ऑपरेशन? नहीं यार, पुराना हो गया। कुछ नया, कुछ अलग, हमें ना कुछ हटके करना होगा। सिड, शायद पटेल ने हमें यही असाइनमेंट दिया है, कुछ हटके। अरे हितू भाई, सब ठीक तो है ना? हितू, ऑल वेल। हितू मेरी जान, क्या हुआ तुझे? नेहा की शादी एक महीने से प्रीपोन हो गई है मेरे भाई। हम दोनों को लग रहा था कि हमारे पास एक डेढ़ महीना है ताकि हम घर वालों से बात कर सके, उन्हें समझा सके, लेकिन नहीं, अभी और कोई चारा नहीं है यार, भागना पड़ेगा। क्या बोलता है सिड? निकी और पूछ मतलब हितू की लव स्टोरी पे क्या फाड़ू प्रोग्राम बन सकता है? नहीं, और जीत हमेशा मोहब्बत की होती है। ओह यस, दैट्स सो कूल। हेलो हेलो बाबा, क्या प्रोग्राम? कौन सा प्रोग्राम? क्या दिमाग नहीं खराब हो गया तुम लोग का? अच्छा बेटा, अपना टाइम आया तो पतली गली से निकल लिए। हाँ, दुनिया की इसी सोच की वजह से ना कितने लोग हैं जो मिल नहीं पाए। ए बंगाली, ए मराठी, ये पंजाबी, पर अब वक्त आ गया है बगावत का मेरे शेर। तुझे अपनी मोहब्बत को पाने के लिए लड़ना होगा। मैं तेरे साथ हूँ, तुझे नेहा को
भगाना होगा और इसका अब लाइव टेलीकास्ट देखेगी पूरी दुनिया। हाय, मैं हूँ सिद और ये है शनो। आज पहली बार दोस्तों हम चालू चैनल की तरफ से लाए हैं एक लाइव टेलीकास्ट। अभी थोड़ी देर में एक लड़की अपने प्रेमी से शादी करने के लिए इस पाइप से उतर के भागने वाली है। अरे चारू, चारू, अरे अरे जल्दी आ, जल्दी आ। हाँ? जो लाइव प्रोग्राम चाहे छोकरा छोकरी नो है। अरे वो लोग भाग के शादी कर रहे, देखते सही। कोई भाग के शादी कर रहा है और आपको मजा आ रहा है? अरे बहू, मुझे आपसे यार, तू जो तू से देखो, किसी पे ऐसे हंसते नहीं हो, उनके माँ बाप को कितना दुख होगा। यार तू जो हमारे बिल्डिंग से कौन सी लड़की भाग रही है? अरे तुमको क्या करना, देखो ना मजा देखो। अरे बाबा, दूसरे का भी सोचो। सशलवार शुद्ध सशलवार खाली नहीं जीतते। अपनी लड़की है ना घर पे, बसो चुप करे। की हो बे जानू, कौन भाग रहा होगा है? अरे वो गुप्ता जी का लड़का ही होगा। ये तो अपनी नेहा है, बंगालन। मजा आएगा, बोला था ना मैंने इसको ना किसी लफंगे ने फसाया होगा। हाँ, अरे लफंगा हो के पकंबा हो, लेकिन अभी शोगा भी तो मजा लेना तू। अरे बेचारी भाग रही है। शोकुनाश, हे भगवान, हितू, हे भगवान, अरे हितू है अपना हितू। चलो, अरे बाबा, उठो, अरे उठो, खाना छोड़ो, चलो। मैं हितू हूँ और मैं नेहा से शादी करना चाहता हूँ। हमने हमारे घर वालों को मनाने की पूरी कोशिश करके देख ली, लेकिन वो राजी नहीं, इसलिए हमने भाग के शादी करने का फैसला किया है। मेरा नाम है नेहा बैनर्जी और मैं 24 साल की हूँ। मैं हितू से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मुझे इससे शादी करने का पूरा हक है। लेकिन मेरे माँ बाप जबरदस्ती मेरी शादी उस टिंकू चटर्जी से करवाना चाहते हैं। नहीं, मैं तो बस हितू से शादी करूँगी। हम भाग के शादी करना नहीं चाहते, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था आप लोगों के लिए। क्यों? हाँ, हम भाग के भी शादी कर सकते थे, लेकिन हम भाग के शादी नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप लोग हमारे रिश्ते के लिए नहीं माने ना, फिर तो हम जरूर भागेंगे। चलो ही तो चलो। अरे दाला दाला। कुत्ते छोटा भी माँ। आयशा कैसा? बाबा सुना। खूब भालो चले। बाबा सुना। हमारे बाबा सुना। खूब भालो। खूब भाल। खूब भालो चले। खूब भालो भालो चले। गाया ना? पटेल को दिखा। ताई ना? Wonderful। वाह वाह वाह। Sit down, sit down, sit down। What a show। कमाल का show। मजा आ गया। पाइप से उतरी दुल्हनिया। Wow, wow, wow। ऐसी टीआरपी मिलने वाली इस शो को जितनी की टीआरपी आज तक चैनल को नहीं मिली। आई एम प्राउड ऑफ यू गाइस, यू आर वंडरफुल, गुड जॉब डन। थैंक यू सर। वेरी गुड सर। या सर, यू आर ब्रिलियंट सर। एक्सक्यूज अस, ओके, बट यू आर फैंटास्टिक। आई टेल यू फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। ओके, कम। यू आर ब्रिलियंट सर। सिड, तुम्हें क्या लगता है? किस बारे में? अरे हितू और नेहा बनर्जी के बारे में। अरे शादी होगी उनकी, ये खुश रहेंगे। पर कुछ भी कहो, हितू इज अ रियल मैन। अरे इसमें रियल मैन का मतलब? अपनी फैमिली से, सोसाइटी से बगावत करके अपने प्यार को हासिल करना बच्चों का खेल नहीं है। रब जी प्लीज, मेरे लिए कोई ऐसा बंदा भेज दो प्लीज। क्यों, तुम्हें भी शादी करनी है? ऑफ कोर्स शादी करनी है, बट यू नो व्हाट, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मतलब आई कैन वेट। कैसा लड़का चाहिए तुम्हें? यू नो व्हाट, मुझे ऐसा लड़का चाहिए, रिच एंड हैंडसम वाला, हर लड़की की टिपिकल चॉइस। एक्सक्यूज मी, कोई कंपलसरी नहीं है। हाँ, मुझे एक ऐसा लड़का चाहिए जो लविंग हो, केयरिंग हो, जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो, जो दिल का साफ हो। पैसा नहीं भी होगा तो चलेगा, मतलब हम दोनों मिलके कमा लेंगे, पर दिल का अच्छा होना चाहिए। Hmm. वैसे
तुम्हें कैसी लड़की पसंद है? मुझे? मुझे क्यों चाहिए लड़की? तो क्या तुम लड़के से शादी करोगे? Don't tell me you're gay. हेलो मैडम, शादी मैं अपनी पसंद की लड़की से करूंगा, ये बात तो फाइनल है. अच्छा सेठ, हाँ सपोज, जस्ट सपोज हाँ, कि तुझे एक लड़की पसंद है, ओके, एंड शी इज रेडी टू लिव विद योर फादर एंड मदर, मतलब आई बाबा के साथ रहने के लिए बिल्कुल रेडी है वो. तो तू क्या करेगा? सपोज क्या, मुझे लड़की पसंद है, मैं नहीं जानता वो मुझे पसंद करती है या नहीं. अच्छा कौन है वो? है हमारे ऑफिस में. हमारे ऑफिस में? हाँ. हमारे ऑफिस में कौन है? है एक पंजाबी लड़की, थोड़ी शॉर्ट टेम्पर्ड है लेकिन मुझे पसंद है, एंड आई होप आई बाबा को भी पसंद आएगी. सूजी? नो, सूजी तो कैथलिक है. बरोबर. एंड रिचा? वो तो गुज्जू है. करेक्ट. तो टेल मी, मेरे अलावा इस ऑफिस में पंजाबी और कौन है? तुम्हारे अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं. सिट. हाँ. इज इट अ प्रपोजल? हाँ. तो आई लव यू बोल सकते थे. अरे अरे बोल दिया ना. अरे वही समझ तू, ये ले वही है, छोड़ ये भी लो. अरे पापा प्लेट नहीं. अरे अरे प्लेट तो फेंक यार. तुझसे मिला तो फीलिंग जागी, सांस मेरी तेरी ओर भागी. ओ तुझसे मिला तो फीलिंग जागी, सांस मेरी तेरी ओर भागी. नींद वीद चैन वैन सब पे लगा है बैन. नींद वीद चैन वैन सब पे लगा है बैन. दिल भी हुआ है फरार. ऑटोमैटिक 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 होने लगा है प्यार व्यार प्यार व्यार प्यार. ऑटोमैटिक होने लगा है प्यार व्यार प्यार व्यार प्यार. ऑटोमैटिक होने लगा है प्यार व्यार प्यार व्यार प्यार. ऑटोमैटिक होने लगा है प्यार व्यार प्यार व्यार प्यार. ख्वाहिशों का नशा चढ़ता जाए हम पीछे रह गए आगे दिल बढ़ता जाए इसे अब रोकना जाते हुए टोकना इसे अब रोकना जाते हुए टोकना बस में नहीं है यार. ऑटोमैटिक 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 होने लगा है प्यार व्यार प्यार व्यार प्यार. ऑटोमैटिक होने लगा है प्यार व्यार प्यार व्यार प्यार. ऑटोमैटिक होने लगा है प्यार व्यार प्यार व्यार प्यार. ऑटोमैटिक होने लगा है प्यार व्यार प्यार व्यार प्यार. से हो बातें सारी तू ना हो सामने तो मेरी धड़कने तू ना हो सामने तो मेरी धड़कने चलने से करे इनकार. ऑटोमैटिक 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 होने लगा है प्यार व्यार प्यार व्यार प्यार. ऑटोमैटिक होने लगा है प्यार व्यार प्यार व्यार प्यार. प्यार व्यार प्यार.
प्यार। लिफ्ट क्यों? अरे उसको पैसे क्यों दिया? शन्नू क्या है ये, किधर है वो? लिफ्ट में रासलीला। जी हाँ दोस्तों, इन प्रेमी जोड़ों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। पार्क के बेंच, समुंदर की चट्टाने, जर जर इमारतें और यहाँ तक कि बिल्डिंग्स की लिफ्ट भी अब इन प्रेमियों की रासलीलाओं का अड्डा बन चुकी है। सिद्ध, तुम कमाल का काम कर रहे हो। अपने पापा से कहना मैं उनसे मिलने वाला हूँ। पता नहीं क्या खा के पैदा किया इसको। But I must say, he's a lucky man. And Shanno, you are brilliant. और मैं सर? भवानी, तुम तो हमेशा ही अच्छा काम करते हो। In fact, you all. Thank you, sir. Sir. Yes. So you're so brilliant. Chale? Yeah. Excuse us. Okay, carry on. Sir. Come. Sid. कमाल कर दिया है। लिफ्ट में रासलीला, वाह! क्या सब्जेक्ट ढूंढा है? ऐसे ऐसे आइडियाज तुम्हें आते कहाँ से? भवानी, ये मेरा नहीं, शन्नो का आइडिया था। ऐसे ऐसे आइडियाज ना शन्नो को ही आते हैं। साथी ऊपर देख साथी, गुड बाय मिस्टर साथी। कौन है ये लौंडा? मेरा बेटा सिद्धार्थ साठे, सिड। और ये मजाक लग रहा है आपको? डेढ़ घंटे तक वो पब्लिक टॉयलेट में ऐसे नाक पे रुमाल लगा के बैठा था, तब जाके ये तस्वीरें मिली हैं। मेरे बेटे की हरकतों पर मुझे शक होने लगा था। बाल बनाता, परफ्यूम छिड़कता था, उसके पीछे एक डिटेक्टिव भेजा, तब जाके मिली ये तस्वीरें। और मैं तो हैरान इस बात के लिए हूं कि मेरे होनहार बेटे को ये पूरे शहर में और कोई नहीं, और आप ही की बेटी मिली। ओ भाई साहब, आपको जितनी हैरानी हो रही है ना, उससे ज्यादा तो हमको परेशानी हो रही है, क्योंकि आपका और हमारा तो कोई मैच ही नहीं है ना। कहां हम खानदानी लोग, स्कॉच के साथ बादाम और पिस्ते खाने वाले कपूर्स, और कहां आप वो साठे कांदे पोहे और चाय पीने वाले। ये रिश्ता तो हो ही नहीं सकता। ये रिश्ता हो ही नहीं सकता। नकली स्कॉच पीपी कर आपका दिमाग भी बादाम के साइज का हो गया है। ए कपूर्स, कभी नकली स्कॉच नहीं पीते, समझे? अरे नकली असली की बात नहीं, ये दिमाग की। जाओदे जाओदे, आपने कह दिया रिश्ता नहीं हो सकता, लेकिन जरा सोचिए। अरे दोनों पढ़े लिखे हैं, अच्छा खासा काम कर रहे हैं, भाग के शादी कर ली तो क्या कर लेंगे हम है? देखिए, अब हमें भी इनकी भावनाओं को समझना चाहिए। इनकी खुशी में ही हमारी खुशी है। बरोबर बोलते ना मी? मैं तो दुश्मन हूं ना उसका। आप पर? बाप का हूं मैं, मुझे तो मेरे बेटे की कुछ पड़ी ही नहीं है। अगर हम इस रिश्ते को हाँ कर भी दे तो भी कुछ नहीं होने का। वो लड़के के माँ बाप खिलाफ है इस शादी के। दो दिन का जवानी का जोश, बाप कौन माँ कौन, साल में एक बार हैप्पी मदर्स डे, बाप की तो जैसे कोई गिनती है ही नहीं। आओ पर तुम्ही साल गाप बघाता। एक बेटा मैं खो चुका हूं, अब दूसरा नहीं खोऊंगा। इस बार मैं किसी के नहीं सुनूंगा। तभी मैं कहूं ये तैयार शहर होके
कहाँ जाती है, इससे मिलने जाती है। आने दो जिसे, मैंने उसकी चित्रा लकी ना। और चुप कर, अकल कहाँ है तेरी, घुटनों में। दोनों पढ़े लिखे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अगर भाग के शादी कर ली तो क्या कर लेंगे हम। हाँ वैसे कहा तो आपने सही है, क्या कर लेंगे हम, लेकिन क्या करें हम। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या करें हम। एक मिनट बाबा जी मदद करो। बाबा जी की जय हो। नमस्कार बाबा जी। बाबा जी मैं बन्ने। बाबा जी मेरी पत्नी को कई साल हुए बच्चा नहीं हुआ है, कोई उपाय बताइए। मुझे गन्ने के खेत क्यों दिखाई दे रहे हैं। गन्ने के खेत, जाओ गन्ने का जूस पियो बन्ने, फसल खुद ब खुद उग जाएगी। जय हो बाबा जी की, प्रणाम। खुश रहो। अरे बेटी। बाबा जी आओ। आ जाओ। हाँ आओ। जय हो बाबा जी। जीती रहो। जय हो। सुनाओ बेटी। बाबा वो जवान बेटी है, गलत लड़के की संगत में पड़ गई है, कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो क्या करेंगे। आप ही कुछ कर सकते हो बाबा, बचा लो उसे। बाबा बस आपका ही सहारा है, मुझे ना कई बार डर लगता है कहीं मेरे हाथों से कोई गलत काम ना हो जाए। चिड़चिड़ बहुत करते हो। सही कहा आपने बाबा, सही कहा, इनका पारा ना हमेशा ही आई रहता है। मिलन हो गया क्या है जी? मिलन का मतलब संभोग, इंटरकोर्स, सेक्स हो गया। अब बाबा आपसे क्या छुपाना, अब तो कई कई दिन हो जाते हैं, डायबिटीज की बीमारी है और ब्लड प्रेशर है, थोड़ी गैस की भी प्रॉब्लम है। इश, तुम दोनों की नहीं है? बच्चों की बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं बाबा, ऐसी कोई बात लग तो नहीं रही, मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है, पर जमाने का क्या करें, बड़ा ही खराब है, कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो हम तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे ना बाबा, कुछ कीजिए बाबा। गोलगप्पे, मुझे गोलगप्पे क्यों दिखाई दे रहे हैं। गोलगप्पे हैं? आखिरी बार तुमने गोलगप्पे कब खाए? वो तो एक अरसा हो गया बाबा, जब से पाइल्स की शिकायत हुई है ना, तब से बाहर का खाना बंद कर दिया, अब तो जो ये बनाती है वही खाता हूं। जाओ गोलगप्पे खाओ, रास्ते खुद ब खुद खुल जाएंगे। जय हो बाबा, जय हो। खुश रहो बाबा। गोल गप्पे। अरे बाबा ने कह दिया ना, अभी सब बाबा जी की जय हो। बाबा जी की जय हो। बाबा जी की जय हो। मैंने कहा था ना बाबा ही रास्ता दिखाएंगे। और रास्ता तो दिखा दिया है, लेकिन गोल गप्पे वाला किधर है। और रुको भाई, कोई दुकान देखो यार, गोल गप्पे की दुकान मिल जाएगा, थोड़ा सा आगे चलो, कोई गोल गप्पे वाला ही नहीं, समझ ही नहीं आता। ओ ओ पानी पूरी, ओ गोल गप्पे, और नीचे उतरेगी तो देगा ना, यहाँ थोड़ी लाएगा। चलो आराम नाल, आराम नाल, इस तरफ आ जाइए। अब ना भाई, दो प्लेट बना जल्दी। अरे ओहो साढ़े साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। मैं तो बस यहाँ क्लाइंट मीटिंग के लिए आया था तो। लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं। मैं यहाँ पे गोल गप्पे खाने आऊंगा, गोल गप्पे की दुकान पे, जलेबी खाने तो आऊंगा नहीं। ये लड़के का बाप है, इसका तो बैंड बजाता हूँ अभी। आप एक बार क्या कर रहे हो। बाबा जी की बात याद है ना, यही तो उनका इशारा है। रुको मुझे बात करने दो, आप तो ऐवें गर्मी खाओगे। भाई साहब वो हमें पता आपको रिश्ता पसंद नहीं है, वैसे हमें भी कोई खास दिलचस्पी नहीं है आपके बेटे में। अब आप ठहरे वकील, आप ही कोई रास्ता निकालो, ये तो गर्मी पे फिर मेरा तो
अब ज्यादा समझदार लगती है इनसे। बस वो आप देखिए। हाँ बताइए, मुझे बताइए, साइड तो हो जाए जरा। हाँ जी बोलिए। देखिए मैंने सोचा है कि जो बात हम कहेंगे वो मानेंगे नहीं, मीठा ज्यादा, तो वो अपने आप मान जाए, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। हाँ तो ऐसा कुछ बताइए। बताता हूँ। देखिए, एंगेजमेंट हो जाने के बाद 3 महीना आपकी बेटी हमारे यहाँ रहेगी, लेकिन सिड आपके घर रहेगा। दोनों एक दूसरे को अकेले में मिलेंगे नहीं। अब क्या है, आपका रहन सहन, आपका खान पान सिड उससे आदि नहीं है, तो वो उब जाएगा। और मैं तो बड़ा स्ट्रिक्ट फादर हूँ, मेरे घर पे तो वो दोनों अपने आप ही समझ जाएंगे कि भाई वो तो एक दूसरे के लिए नहीं है। साठे साहब है। नहीं मैं दारू नहीं पीता। नहीं नहीं दारू नहीं, थम्स अप। हाँ थम्स अप पीता हूँ। हो गई बेगल। हाँ चलिए। हाँ ये पानी पूरी। हाँ ले आ भाई। तुझे क्या लगता है तेरा बाप जल्लाद है? अरे बेटा है तू मेरा, तेरी खुशी में ही हमारी खुशी है। मतलब कोई लड़की वड़की अगर कोई पसंद किया है तूने तो बता दे। मम्मा उसका नाम सिद्धार्थ साठे है, मेरे ऑफिस में काम करता है। देखा साठे, पंजाबी नहीं होते साठे। बाबा वो मेरे साथ ऑफिस में ही काम करती है। अच्छा, उसके पापा का एक रेस्टोरेंट है डाबा। हाँ कुछ नहीं आगे बोल। मम्मा महाराष्ट्रन है पर बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है। पापा आपको पता है उसके डैड ना बहुत बड़े लॉयर हैं। बाबा बहुत अच्छी लड़की है वो, प्लीज एक बार मिल लो ना उससे। उसे क्यों मिलूं? अरे उसके घर वालों से मिलूंगा, जा जाके बता दे उनको अगले संडे हम आएंगे लड़की के घर लड़की देखने। जा आप दोनों एक बार उससे मिल तो लो, फिर जैसा आप लोग कहोगे मैं वैसा करूंगी पक्का। आप बताओ। ठीक है अगले संडे पक्का। पक्का पापा। थैंक यू। अगले संडे खुश। मैं अभी फोन करता हूं उनको। हाय है ला। वहां दो। लो जी। आ, नहीं नहीं आप लेंगी? नहीं थैंक यू। ले लीजिए ना। मना कर रहे हैं वो, उधर पूछ लो। आप लो सिट। शन्नो सिड, देखो हम तुम दोनों की भावनाओं को समझते हैं, इसलिए इस शादी से हमें कोई भी एतराज नहीं है। लेकिन तुम दोनों को भी हमारी भावनाओं को समझना पड़ेगा। अब क्या है, शादी सिर्फ दो इंसानों के बीच में नहीं होती, वो दो परिवारों के बीच में होती है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि तुम दोनों एक दूसरे के कल्चर फैमिली वैल्यूज को अच्छी तरह समझ लो, और वो भी शादी से पहले। इसलिए हमने ये तय किया है कि एंगेजमेंट के बाद सिड तुम 3 महीनों तक मिस्टर कपूर के घर पे रहोगे, और शन्नू बेटी तुम हमारे घर पे रहोगे, और इन 3 महीनों के दौरान तुम एक दूसरे से मिलोगे नहीं। हाँ बेटा, और अब मेरा ढाबा तुम्हें ही चलाना है। और शन्नो ये ऐसे कपड़े नहीं चलेंगे, साड़ी पहनना सीख लो। लवकार तुम्हें जरा गप्पा बसा का काय मड़ा लूं? क्यों डरा रहे हो बच्चे को? मैं कहा डर रहा हूं? काय नहीं गा, मैं सिखा दूंगी तुझे। हाँ बहन जी, आप मेरी बेटी को साड़ी पहनना सिखा दीजिए, और मैं आपके बेटे को आटा गूंदा सिखा दूंगा। देखो जी, मुझे तो इतना पता है, where there is a will ना, there is always a way। मम्मा, where there is a will, there is a way। भाई साहब, मेरी बीवी की इंग्लिश ना, उसका कोई तोड़ नहीं है। ओ छोड़ो जी, आप तो जी समोसे खाओ,
हमारे ढाबे के बने पुत्र, ये भी बनाने सीखने पड़ेंगे। Have you people gone crazy? Resignation देना चाहते हो? अरे तुम लोगों का ब्राइट फ्यूचर है भाई। तुम्हारे पापा से तो मैं बात कर लूंगा, तुम अपने पापा का नंबर दो। सर प्लीज सर, हम प्यार का इम्तिहान देना चाहते हैं सर। अरे तुम लोग अपने प्यार के इम्तिहान के चक्कर में मेरा इम्तिहान क्यों ले रहे हो? सर प्लीज, आप तो हमें सपोर्ट कीजिए। मगर एक शर्त पे, वो रेजिग्नेशन तो भूल जाओ, वो तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। लेकिन जैसे 3 महीने कंप्लीट हो जाते हैं, अब दोनों चालू चैनल में वापस आ जाओगे। एंड ऑल द बेस्ट टू यू, टू बोथ ऑफ यू, माय ब्लेसिंग्स आर विद यू एंड कम बैक सून। ओके गुड लक। थैंक यू सर। मैं आपको आई बुला सकती हूँ ना? क्यों नहीं बुला सकती? अगर मैंने तुझे अपनी बेटी मानी है तो रिश्ते में मैं तुम्हारी माँ हुई, है ना? हाँ, तो आई मैं ये पूछ रही थी कि आप इस बस्ती में कब से पढ़ा रहे हो? मेरा सिद्ध होने के बाद मैंने कुछ दिनों की छुट्टी ली थी। हाँ, तब मेरा मंगेश 5 साल का था और शिक्षा भी। शिक्षा कौन? शिक्षा मेरी काम वाली भाई शांता, उसकी बेटी। अच्छा। मेरे मंगेश के साथ खेलने आती थी, उसकी किताबें खोलकर पढ़ने बैठती थी और फिर शांता का काम खत्म होने के बाद अपने आई के साथ घर वापस चली जाती थी। छोटी सी थी। एक दिन मैंने शांता को पूछा, तब मुझे पता चला कि वो अपने बेटे को स्कूल भेजती है लेकिन शिक्षा को नहीं। क्यों? क्यों? क्योंकि वो लड़की है। तब मुझे सडनली बहुत फील हुआ कि इस देश में ऐसी कितनी लड़कियां होंगी जिनके नाम में ही सिर्फ शिक्षा नसीब है, किस्मत में नहीं। और फिर मैंने टीचर का जॉब छोड़ दिया और यहां इन बस्ती के बच्चों को पढ़ाने लगी। पर आई, बाबा ने आपको रोका नहीं? मतलब ऐसे बस्ती में आके पढ़ाने के लिए? उन्होंने ही तो मुझे एनकरेज किया है। तेरे बाबा बाहर से जितने सख्त लगते हैं उतने ही अंदर से नरम हैं। वकील है ना, अपनी फीलिंग्स को चेहरे पे कभी आने नहीं देते। अब तो पक्का ही, मैं भी आपके साथ इस बस्ती में रोज पढ़ाने आऊंगी। पक्का? पक्का। बहुत स्वीट हो, इसे मराठी में कैसे बोलेंगे? काय? आप और बाबा बहुत स्वीट हो, उसे मराठी में कैसे बोलेंगे? काय नहीं, आई बाबा, तुम ही दोगा खूब गोड़ा हाथ। आई बाबा, तुम ही खूब गोड़ आहत। हाँ, बर। किती गोड़ है ना हुपुर, देखे ना। कुछ दिन ही हुए इसे घर आके, ऐसे लगता है अपने घर की बच्ची है, हो कि नहीं? पता नहीं वहां मेरा सीट कैसा होगा, कुछ खा पी रहा होगा कि नहीं। ये बता, तू वकील का बेटा वकील क्यों नहीं बना? अंकल बचपन से शौक था कहानियों का, लिखने का, तो मैं राइटर बन गया। अच्छा लेखक बन गया, लेकिन तू करता क्या है एग्जैक्टली? चैनल में क्या, तेरी पोस्ट क्या है?
जी मैं कंटेंट हेड हूँ। कौन सा टेंट हेड है? कंटेंट हेड। शन्नू भी साथ में काम करती है। शन्नू को छोड़ यार, शन्नू तो ऐसे टाइम पास के लिए काम करती है। चल जो भी हेड है तू, पर ड्रिंक बना, चल ड्रिंक बना। तो बचपन से राइटर बनने का शौक था, लेखक बनने का? जी अंकल। शुक्र है हीरो बनने का शौक नहीं पड़ा तेरे को, वरना पता नहीं क्या हो जाता। वाह, ये क्या बना है? पेग। अबे तेरे बाप ने तुझे ड्रिंक बनाना भी नहीं सिखाया? वो नहीं पीते। तू तो पीता होगा। जी सिर्फ बियर। अबे बियर तो लड़कियां पीती हैं। सिर्फ बियर। अबे ड्रिंक तो मैं करता था 14 साल की उम्र से ही, सिर्फ नीट। और बाय गॉड एक बार जब टन हो जाता था ना, उसके बाद जो ओए होए, जो रुमाली रोटी हवा में ऊपर जाती थी, जक। अच्छा ऐसे बनाते हैं? मुझे भी सिखाओ ना पूरा। छोड़ो ना भाई, ये काम मेरा है, तुम कहानी वानी लिखो। हेलो। हेलो सेठ, क्या कर रहा है? तेरे बाप के ढाबे में काम कर रहा हूँ, आटा गूंद रहा हूँ, रोटियां बना रहा हूँ, और उसके ऊपर तेरे बाप के ताने भी सुन रहा हूँ, और तू वहाँ पे ऐश कर रही है? मैं ऐश कर रही हूँ? यहाँ आई और बाबा का ख्याल कौन रख रहा है? और तुझे पता है मैं मराठी बोलना सीख रही हूँ, और तो और आई के साथ बस्ती में बच्चों को पढ़ाने भी जा रही हूँ, और तू मुझे ऐसी बातें बोल रहा है? अच्छा सुनना, आई लव यू बोलना प्लीज। सिद्धार्थ भाई, बारमैन ने बुलाया आपको, जल्दी। वेटर भी बना दिया, मुझे जाना है, बिजी हूँ, बाय। हेलो हेलो सिद्ध, सुन तो। कमाल है यार, तू तो कुछ खा ही नहीं रहा है, खाली चावल खा रहा है, रोटी छोटी ले रहा है। खा लिया। ले लाना यार, फड़। ज्यादा हो जाएगा। चिकन भी ले। चिकन लेना? मैं काफी। अंकल मैं क्या कह रहा था, सिड यहाँ पर आपके ढाबे पे, और शन्नू वहां पर सिड के घर पे, वो भी साड़ी में। आई थिंक दिस इज नॉट फेयर अंकल। आंटी मुझे लग रहा है कि जाती हुई है। वो जाती वाती कुछ नहीं है, बड़ी सिंपल सी बात है। जैसे आजकल लड़का लड़की कहते हैं कि भाई शादी से पहले हम एक दूसरे को अच्छी तरह जान लें, वैसे ही हम कह रहे हैं कि भाई लड़का लड़की जो है एक दूसरे के परिवार को भी अच्छी तरह जान लें। भाई आफ्टर ऑल जो है शादी दो बंदों का नहीं, दो परिवारों का रिश्ता है। अब जैसे देख, तू हमारे परिवार के बारे में सब कुछ जानता है, लेकिन ये सिड, इसको क्या पता है हमारी फैमिली के बारे में, हमारे ट्रेडिशन। बहन की शादी की बात चल रही थी ना? ओहो मैं भूल ही गया, बातों बातों में ये बात तो भूल ही गया। आंटी लड़का पसंद कर लिया, बस अगले हफ्ते एंगेजमेंट है, पर आप दोनों को आना है। और हाँ भाई सिड, तेरे को भी आना है। आएंगे भाई आएंगे, हम तो जरूर आएंगे। वैसे आजकल कर क्या रही है कोमल? अंकल वो रिसर्च कर रही है एनिमल ऑर्गेनिज्म पर। वाह भाई, बड़ी तरक्की कर लिया इंडिया ने है। बिल्कुल जी, जानवरों के ऑर्गेज्म के ऊपर भी रिसर्च हो रही है, ये मामूली बात नहीं है और हर किसी के बस की बात नहीं है ये। हाँ आंटी वो ऑर्गेनिज्म, एनिमल ऑर्गेनिज्म। हाँ एक कोई गल है, ऑर्गेज्म ऑर्गेनिज्म। अरे यार एक बात माननी पड़ेगी भाई, कोई हाथ नहीं पकड़ सकता मेरी बीवी का अंग्रेजी में। छोड़ो जी, आप तो बस ना मेरी तारीफ करने के बहाने ही ढूंढते रहते हो। क्या करूं, मेरा ना दिल ही कुछ ऐसा है, तेरी अंग्रेजी है। तो अंकल मेरा खाना हो गया है, मैं चलता हूँ। ओहो कहाँ जा रहे पुत्र? काम बहुत है जी। अरे अच्छा, काम हो जाएंगे, जाने देना, उसकी बहन की शादी है, 10 काम होंगे घर पे उसको। कोई नहीं, एक दिन में 10 काम हो जाने, आप भी ना बड़े हरकुलिस। हरकुलिस? नहीं नहीं अंकल, उनका मतलब है रिडिकुलस। हाँ इंग्लिश। देखा 2 दिन में कितनी अच्छी तरह मुझे मिसअंडरस्टैंड करने लगा ये, और आप लोग। आंटी वो मिसअंडरस्टैंड नहीं, वो अंडरस्टैंड यार। इनका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता अंग्रेजी में। थैंक यू। बाबा आशीष की बहन की एंगेजमेंट है और उसने आप दोनों को भी इनवाइट किया है। मैं क्या करूंगा,
वो शोर शराबा, वो नाचना गाना, वो सब मुझे पसंद नहीं है। मैं तो दारू भी नहीं पीता। तुम्हें जाना है तो जाओ। आई? नहीं बेटा, मेरा मन नहीं है। तू एक काम कर, तू स्वाति के साथ चली जा, उसकी कंपनी मिलेगी तुझे। ठीक है आई। स्वाति क्या करेगी वहां जाके? स्वाति इधर आओ। आशीष, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त स्वाति, और स्वाति ये है हमारा दुल्हन का भैया और मेरा बचपन का दोस्त आशीष। हाय। हेलो। मम्मी आ गई, मैं बाद में मिलती हूँ। ओके, तुम लोग बात करो। तो आप हैं स्वाति? जी। फाइनली चन्नो से आपके बारे में बहुत कुछ सुना। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, आर्किटेक्चर में गोल्ड मेडलिस्ट, और भारतीय सभ्यता और संस्कृति में बहुत रुचि है आपकी। शन्नो की तो आदत है बड़ा चढ़ाकर बोलने की। आई डोंट थिंक सो। मुझे लगता है उसने जो कुछ भी बोला है बिल्कुल सही बोला है। और क्या चल रहा है आजकल? अभी अभी मैंने एक कंपनी ज्वाइन की है, एमसी थॉमसन। एमसी थॉमसन? जी। आई डोंट बिलीव दिस। उसी बिल्डिंग में हमारा भी ऑफिस है और हम आज मिल रहे हैं फाइनली। यू नो व्हाट, वी शुड मीट मोर ऑफन। लगता है मेरा ही फोन बज रहा है। ओ, एक जरूर। कपूर साहब, वक्त आ गया है अपनी अगली चाल चलने का। आप बिल्कुल चिंता ना करो साठे साहब, आज मौका भी है और मौके पे मैं चौकर लगा ही दूंगा। और आप स्वाति, स्वाति जल्दी जा, जल्दी चल। तेरा ठुमका सुपर हिट सोनिए, तेरा ठुमका सुपर हिट सोनिए, तेरा ठुमका सुपर हिट सोनिए। बल्ले बल्ले जवानी वाला साल आ गया, ओ बल्ले बल्ले जवानी वाला साल आ गया। अड्डी मार की मैं नच दी जावा कि फ्लोर ते भुचाल आ गया। अड्डी मार की मैं नच दी जावा कि फ्लोर ते भुचाल आ गया। ओ बल्ले बल्ले चौदवी दा चन तेरे मुखड़े नु है जुमदा। जद लगे तू नचन डीजे फड़ के बटन उच्ची कर दिंदा वॉल्यूम दा। तेरी अखियां दी लिकर भी के डोल दे स्पीकर, अखियां दी लिकर भी के डोल दे स्पीकर। अज सानू भी पिला दे लिटल बिट सोनिए, तेरा ठुमका तेरा ठुमका तेरा ठुमका सुपर हिट सोनिए, तेरा ठुमका सुपर हिट सोनिए, तेरा ठुमका सुपर डुपर हिट सोनिए। ओ देसी बच्ची जांदी बीट तेरे रुक देना फीट, जांदी बीट तेरे रुक देना पीट, होई जांदे बार बार तेरे ठुमके रपीट। जदों नचदी है देसी दुपट्टा लैके, जदों नचदी है देसी दुपट्टा लैके, मुंडे तकदे ने सीटा उत्ते बह बह के। लैला बन के तुम्हारे जिन्ने मजनू ने सारे, लैला बन के तुम्हारे तेरा ठुमका
हिट सोनिए तेरा टुमका सुपर हिट सोनिए तेरा टुमका सुपर हिट सोनिए तेरा टुमका सुपर डुपर हिट सोनिए ले भाई, तू तो कुछ ले ही नहीं रहा है। बादाम है, काजू है। नहीं नहीं अंकल, सिर्फ बियर। हाँ, बियर विद पीनट्स, बॉइल्ड चना, चखना। एक बात पूछूं सिड जी, आशीष और तेरी उम्र में कितना फर्क होगा? ज्यादा से ज्यादा 2-3 साल का। अब देख इतनी सी उम्र में उसने कितना कुछ कमा लिया, क्या कुछ बना लिया, कोठियां, कारें, और एक तू है, बियर विद पीनट्स। क्या कर क्या रहा है? 30-40 हजार रुपए की नौकरी, जलन नहीं होती तेरे को उससे? जेलसी नहीं फील करता? सच बोलूं अंकल? हाँ हाँ, खुल के बोल। बिल्कुल नहीं होती। हम राइटर्स की अपनी एक अलग दुनिया होती है, जिनमें ये सब का कोई मोल नहीं। ओ, मैं नहीं जानता मुझ में क्या कमियां हैं या क्या खूबियां, लेकिन कुछ तो बात होगी ना जो आपकी बेटी ने मुझे पसंद किया। बातें बहुत अच्छी करता है तू, और ऐसी बातें करके तूने फंसाया हमारी बच्ची को। सच बोलूं, अगर तू ना होता ना तो आशीष हमारा दामाद बनता और राज करती मेरी बेटी। पर क्या करें, जब नसीब ही खराब हो तो आदमी क्या कर सकता है। आओ, हाँ जी, बेटा जी, पार्टी एंजॉय की आपने? ग्रैंड ग्रैंड पार्टी बेटा, ग्रैंड। भाई तूने प्रूफ कर दिया कि तू मल्होत्रा साहब का बेटा है। आए लोग, मेहमान सब देखते रह गए, आंखें फटी रह गईं। क्या शान थी, वाह, व्हाट ए क्लास। बस जी, आप अपना ड्रिंक एंजॉय करो, मैं जरा सिड को कुछ दिखा कर लाता हूँ। हाँ जा भाई। कम ब्रो, आई विल शो यू समथिंग। दिखा इसको। आना भाई, हम आते। ये हमारे शिमला वेकेशन की फोटो है। मेरे मॉम डैड, कपूर अंकल आंटी, मैं, अमृता, कोमल और शन्नो। बचपन में भी क्यूट थी, नहीं? हाँ। और वो विंटेज कार एग्जीबिशन की फोटो है। शन्नो को कारों का और घूमने का, इन दोनों चीजों का बहुत शौक है। एक वक्त था जब वो मुझसे कहा करती थी कि हम दोनों मिलकर पूरी दुनिया घूमेंगे, वर्ल्ड टूर पे जाएंगे। उसे पूरी दुनिया एक्सप्लोर करनी थी, पेरिस की शाम देखनी थी, मॉस्को की सुबह देखनी थी। पर मेरे मॉम डैड का उस वक्त देहांत हुआ था और मैं बिजनेस में नए नए पांव जमाने की कोशिश कर रहा था। पर आज मेरे पास सब कुछ है, पैसा है, गाड़ियां हैं, वो सब कुछ है जिससे मैं शन्नो का हर ख्वाब पूरा कर सकता हूं। लेकिन उसके ख्वाब पूरे करने का हक मेरा नहीं है, वो हक तुम्हारा है सेठ, सिर्फ तुम्हारा। वन सेक, आई जस्ट टेक दिस कॉल। जी शर्मा जी, बोलिए। That's great. Thank you. कोई बात नहीं, मैं पेमेंट पहुंचा दूंगा। Thank you. Sit. Sit, सेवियो ने मुझे यहाँ पे खुद फोन करके बुलाया है और ये सब तू क्या कर रहा है यार? तू इतना कब से पीने लगा है?
चल अभी बस कर चल। अबे क्या बस कर रे, क्या एंगेजमेंट हुई तेरे को पता है? पूरा बंगला सजा था, बंगला नहीं महल है वो, महल। खाने में भी क्या क्या आइटम थे तेरे को पता है? क्या कहते हैं वो खेकड़ा, क्रैब, एक एक खेकड़ा 1000 रुपए का। क्या बात कर रहे हैं, इतना अमीर है? अरे जितनी तूने और मैंने गाड़ियां शोरूम में नहीं देखी होंगी ना, उतनी उसके कंपाउंड में है। कंपाउंड में पता है तेरे को? शन्नो उसे हमेशा कहती थी कि वो दुनिया घूमेगी उसके साथ। यार उसे कारों का भी शौक है, ये भी कहा उसने आशीष को, मुझे तो कभी नहीं कहा यार। मेरे पास है भी क्या, एक वो टू व्हीलर और एक वो पटेल की सड़ेली नौकरी। अरे आशीष उसको बहुत खुश रखेगा रे, मैं उसे कुछ नहीं दे सकता, कुछ नहीं। लेकिन अभी तू साठे अंकल को क्या बोलेगा? अरे बोल दूंगा रे, बोल दूंगा उनको, बाबा को। अरे पर क्या, बाबा मुझे ये शादी नहीं करनी। मैं जानता ही था कि ऐसा ही होगा। अरे कहां हम ठहरे एजुकेटेड लोग और कहां वो ढाबे वाला कपूर। लेकिन बाबा शन्नो मुझसे बहुत प्यार करती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं वकील हूं बेटा, वो लड़की तेरा पीछा ऐसे नहीं छोड़ेगी, उसका दिल तोड़ना होगा। दिल तोड़ना होगा? मैं कुछ समझा नहीं बाबा। तू चिंता मत कर, मैं जैसा कहता हूं वैसा तू करना। लेकिन देख ये हमारी आपस की बात है, ये तेरी मां को पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन मुझे करना क्या होगा बाबा? तुम्हें ये फाइल जाकर मेरी एक क्लाइंट को देनी है। उस क्लाइंट का नाम और पता तुम्हें बाहर रिसेप्शनिस्ट से मिल जाएगा, वहां जाओ ये फाइल दे दो। लेकिन उससे 50,000 रुपये लेने हैं, तो वो मिले नहीं तब तक वहां टिके रहना, वहां से हिलना मत। इतना कर पाओगे? बाकी का मुझ पे छोड़ दो। बस इतना ही? इतना ही। ठीक है बाबा। सविता साठे, मैं मेरे बेटे सिड को तुम्हारे पास भेज रहा हूं। ड्रामा शुरू कर दो, ड्रामा। जी सर। सविता जी हैं घर पे? जी हैं, अंदर आइए बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूं। जी मैडम को कहना उनके लिए फाइल लाया हूं, और थोड़ा जल्दी से पैसे ले आएं प्लीज। इतनी भी क्या जल्दी है सिद्धार्थ? हवा
जाने दे, होता है जो भी अब हो जाने दे। गर्मी से खुद को बेघर दे, एक दूजे की बाहों में जिस्मों को खुलने दे, बूंदों के इस मौसम में जिस्मों को धुलने दे, बूंदों को धीरे धीरे होठों पे खुलने दे, एक दूजे की बाहों में जिस्मों को खुलने दे, बूंदों के इस मौसम में जिस्मों को धुलने दे, बूंदों को धीरे धीरे होठों पे खुलने दे। मेरी आंखों में है नशे की एक चिंगारी, जितनी आग है इसमें तुझको पिला दूं सॉरी। चले दे, एक दूजे के बाहों में जिस्मों को घुलने दे, बूंदों के इस मौसम में जिस्मों को धुलने दे, बूंदों को धीरे धीरे होठों पे खुलने दे। ऑफिस के डल इंटीरियर्स, वो सैड सा एम्बियंस, आई थिंक आई नीड अ चेंज, और उसके लिए मुझे एक क्रिएटिव पर्सन की हेल्प की जरूरत है। आई विल बी ग्लैड इफ यू कैन हेल्प मी। व्हाई नॉट, आपको किस तरीके के डिजाइंस पसंद है? मॉडर्न, क्लासिक? ऐसे कोई पर्टिकुलर टेस्ट नहीं है मेरा। जो आप सजेस्ट करेंगी सो आई कैन गो फॉर इट। आई थिंक यू शुड गो फॉर मिक्सचर ऑफ बोथ, थोड़ा सा मॉडर्न थोड़ा सा क्लासिक। आप एक काम कीजिए, मुझे अपने ऑफिस के लेआउट्स मेल कर दीजिए। So meanwhile I'll create few nice designs and I'll show it to you. अगर उसमें से कुछ अच्छा लगता है तो you choose it. Superb. Yeah. I think this will work. तो हम next Monday मिले further discussion के लिए. Next Monday sounds good for me. That's great. आ जाओ। कैसी लग रही हूँ? अगो कितनी सुंदर दिसते तू। अब आई साड़ी कैसी पहनी? खूब छान। अरे नमस्ते नमस्ते। शन्नो शन्नो किधर है? गुड़ी पड़वा है ना तैयार। शन्नो आप बैठे ना। डैड कितने सही टाइम पे आए हो, कैसी लग रही है मैं? हाँ अच्छी लग रही है। आप आइए ना बैठे, मैं चाय बना के। नहीं 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 रहने दीजिए बहन जी, अब तो इस घर का पानी भी हमारे लिए जहर है। शनो सामान पैक करो चलो अभी। क्या हुआ पापा, सब ठीक है? क्या हुआ भाई साहब? जिस आदमी से तू सच्चा प्यार करती है ना, उसकी सच्चाई ये है। इनको भी दिखाओ। बता बेटा। नहीं नहीं कुछ कुछ गलतफहमी हुई है, मेरा बच्चा सिद ऐसा नहीं कर सकता। नहीं नहीं कोई गलतफहमी नहीं हुई है,
आपका बेटा मेरी बेटी के साथ एक साल से प्यार का नाटक कर रहा है और साथ में इस लड़की के साथ चक्कर चला रहा है। अभी तो और भी फोटोग्राफ थी लेकिन वो इतनी वाहियात और वल्गर थी कि मुझे दिखाने में शर्म आती, इसलिए लाया नहीं मैं। पापा हो सकता नहीं ये फेक हो। बेटा मुझे मालूम था तुम मेरी बातों पे विश्वास नहीं करोगी, इसलिए मैंने एक प्रोफेशनल डिटेक्टिव हायर करके ये फोटोग्राफ खिंचवाई हैं। सेठ को पता है इसके बारे में? नहीं, वो तो अभी भोला भाला बेचारा होटल में लगा होगा। चाहता तो मैं अकेला ही उसका बैंड बजा देता लेकिन वो इतना छिछोरा किस्म का आदमी है कि कोई भी कहानी बनाकर तुम्हें सुना देता, इसलिए मैं डायरेक्ट तुम्हारे पास आया हूँ। देखिए भाई साहब, सेठ मैं जानती हूँ। आप प्लीज मत बोली बीच में, हम बाप बेटी इस केस को सॉल्व कर लेंगे। चलो बेटा। नहीं पापा, आई विल गो अलोन, लेट मी हैंडल दिस। बेटा पापा बोला ना, लेट मी हैंडल दिस। भाई साहब चलिए। क्या है ये सिड, क्या है ये? आई डोंट बिलीव दिस, मेरा सिड इतना नीचे नहीं गिर सकता। पर इन तस्वीरों का क्या करूं मैं? तुम पिछले कितने साल से उस लड़की के साथ हो? जवाब दो सिड, मैं कुछ पूछ रही हूं, जवाब दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई शन्नो, मुझे माफ कर दो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? I loved you. You just, ये दिखाया तुमने मुझे। This. I hate you. दिल क्यों बनाया रब ने, कोई ना मिला जिसका दिल टूटा ही ना हो जग में, कोई ना मिला जिसका दिल टूटा ही ना हो जग में, टूटा ही ना हो जग में। तुझसे दूर रास्ता हो गया तो सफर ही सजा हो गया, लम्हों से क्या शिकायत करें हम, वक्त ही खफा हो गया, किसको बताएं अब किसे समझाएं, दर्द दिलों के अब किसको दिखाएं। समझे ना कोई मजबूरियां, मिलने लगी है जो दूरियां, दिल ने तो ये चाहा नहीं फिर किसने है दी मंजूरियां। शन्नो कपूर अंकल हम दोनों की शादी करना चाहते हैं, बट आई नो दैट यू लव सेट। आशीष तुम अच्छे लड़के हो, इट्स जस्ट दैट कि मैं उसे इतनी जल्दी नहीं भुला सकती। I need some time. पर क्या तुम उसे माफ नहीं कर सकती? नहीं। तुम्हारी प्लेट कहाँ है? खाना नहीं खाने वाली हो तुम? नहीं। चलो आज हम दोनों साथ साथ एक प्लेट में खाना खाते हैं, चलो। मुझे नहीं खाना है, आप खाइए। अरे ऐसे क्या करते इसका खाना? मुझे भूख नहीं, आप खाइए। आइक लगा। बोला। मेरा दिल अब भी नहीं मान रहा है, कुछ तो गड़बड़ है।
क्या गड़बड़ है? क्या बात कर रही है तू? अरे भाई बच्चा है, हो गई होगी जवानी के जोश में गलती, सभी से होती है। मैं अपने बच्चे को अच्छे से जानती हूँ, इतनी नीच हरकत नहीं कर सकता वो। फिर वही बात, अरे क्यों बाल की खाल उधेड़ रही है? जा मेरे लिए पानी ले आ। मालती बख्तर कौन है दारावर? कितनी बेल बजा रहा है, अब खड़ा गया है उधर भूत के माफिक। बाबा क्या कर रहे है? बाबा मंगेश दादा और जेनिफर भाभी की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। हम दोनों आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। कौन बाबा? किसका बाबा? यहां कोई बाबा नहीं रहता। आपको गलत एड्रेस दिया गया है, मेरा बेटा मर चुका है। अरे भाई जेनिफर का चर्च में फ्यूनरल है, आपको पता है कि नहीं? हाँ आज शाम 5 बजे सेंट एंड्रयू चर्च में। लाडकर्णी मैं जेनिफर के फ्यूनरल में जाना चाहता हूँ, तू आएगा मेरे साथ? साथे? Are you sure? शायद यही एक आखिरी मौका है मेरे बेटे और मेरी बहू से माफी मांगने का। Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit. Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit. May Lord bless the soul. Rest in peace. चलो साठे, सब लोग निकल गए, अब हमें भी चलना चाहिए। चलो
मैं मंगेश का फादर। आई अंडरस्टैंड योर पेन मिस्टर साटे, वी हैव बोथ लॉस्ट आवर चिल्ड्रन। ये कहाँ जा रहा है तू? थोड़े दिनों के लिए अकेला रहना चाहता हूँ आई, और वो सविता वाला के साथ सब झूठ था। सीत, तू कहीं? और मैं आज भी शन्नो से प्यार करता हूँ। अरे सीत, ए ए सीत, सीत रुक, सीत कहाँ जा रहा है तू? ए सीत, सीत रुको, क्या हो क्या रहा है इस घर में? अब और रोको उसे, और देख क्या रहे हो, और घर छोड़ के जा रहा है वो। कौन था वो? टेररिस्ट था? किसी का खून किया था उसने? किसी के घर जाके चोरी की थी उसने? क्या किया, क्या था मेरे बच्चे ने जो आप उससे इतनी नफरत करते थे? वाह, आज तो आप बड़े खुश होंगे ना मिस्टर साठे, क्योंकि इस दुनिया में आपका सबसे बड़ा दुश्मन अब नहीं रहा, और आपका दूसरा बेटा भी आपको छोड़कर चला गया है। वाह, कांग्रेस मिस्टर साठे, ये केस भी आप जीत गए। सिद और शन्नो एक दूसरे से अलग हुए हैं। कांग्रेस मिस्टर साठे। सॉरी, मैं कहीं लेट तो नहीं हुई? बहुत ज्यादा। जस्ट किडिंग। क्या लोगी? कुछ नहीं, तुम कुछ कहना चाहते थे ना? हाँ वो स्वाति, मैं सोच रहा था कि मैं कपूर अंकल से कह दूं कि मैं शन्नो के साथ शादी नहीं कर सकता। पर क्यों? तुम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हो, पसंद भी करते हो। यू आर राइट, कोमल, अमृता, शन्नो और मैं बचपन के दोस्त हैं। वी आर बेस्ट फ्रेंड्स, और एक दूसरे के साथ हर बात शेयर करते हैं। इसीलिए मैं जानता हूं कि शन्नो आज भी सेट से प्यार करती है, और मैं भी किसी और को चाहने लगा। Who's the lucky girl? है कोई? एक स्वीट, सिंपल, क्रिएटिव गर्ल। तो प्रॉब्लम क्या है? यही जानने के लिए तो तुम्हें बुलाया है। मतलब? स्वाति, वो अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं तुम्हें चाहने लगा हूं,
और अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूं। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? हाय अमृता। हेलो आशीष, क्या तुम इसी वक्त मेरे घर पर आ सकते हो? इट्स अर्जेंट। हाँ, पर क्या हुआ? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, प्लीज अभी जल्दी आ जाओ। फाइन, आई एम कमिंग। क्या हुआ? अमृता का फोन था, उसने अपने घर पे बुलाया जल्दी। ओह, लेट्स गो। ओके। खा लूं? खाओ। आप ही के लिए तो काटा है, इस वक्त कौन होगा? साहब, आशीष सर आए हुए हैं। आए तो क्या, भेजो यार अंदर उनको। जी सर। आ भाई आशीष पुत्र। अंदर आजा पुत्र, वहां क्यों खड़ा है? बड़ा चुप चुप लग रहा है, क्या हो गया? क्या हुआ बेटा, सब ठीक है ना? हाय रब्बा, ये क्या हाल बना लिए तूने पुत्र? मैं हर बार आपको कहती थी कि अमृता को वापस ले आओ, आप हर बार यही कहते थे कि शादी में तो छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं, सब ठीक हो जाएगा। देखो ना, शराबी ने मेरी बच्ची का क्या हाल कर दिया, बहुत तोड़ के उसको वापस भेज दिया। आए मेरी बच्ची, अब क्या करोगे आप? चुपचाप खड़े रहोगे ना? ठीक है, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी मैं चुप। मैं, उसने हमारा प्यार देखा है ना, लेकिन आज मैं उसको पंजाबियों की नफरत दिखाऊंगी। नहीं रहूंगी मैं चुप। चल मेरी बच्ची, तू चल अंदर, मैं देखती हूँ तुझे कौन रोकता है। चल तू, क्या हो गया मेरी बच्ची को? एक बार गलती कर चुका हूं पुत्र, दोबारा नहीं करना चाहता। तुम और शन्नो तो बचपन के साथ ही रहे हो, खुश रहोगे बेटा शादी करके। अंकल, मैं आपके जज्बातों की कद्र करता हूं, पर सच यह है कि शन्नो आज भी सिट को प्यार करती है, और मुझे भी लगता है कि हमें सेट को एक और मौका देना चाहिए। आखिर उनकी जिंदगी का सवाल है। साढ़े साहब, आप जी? वो मुझे, इनको मैंने बुलाया है। अमृता का केस ये लड़ेंगे। बाबा, इसे देख रहे हैं आप? मेरी बड़ी बहन, इसके पति ने इसका जीना हराम कर दिया है। हर दिन कोई नई डिमांड, कुछ पैसों के लिए क्या हाल बना दिया इसका। और पापा, आप हमेशा कहते हो ना कि लड़का पंजाबी होना चाहिए, खानदानी होना चाहिए। इतनी छोटी सी बात आपको क्यों नहीं समझ में आती कि किसी का मराठी या पंजाबी होना खुशियों की गारंटी नहीं देता? बस पुत्र, बस, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं नहीं चाहता कि जिस तरह मेरी गलती की वजह से मेरी अमृता की जिंदगी बर्बाद हुई, उस तरह तेरी जिंदगी भी बर्बाद हो। सिड बहुत अच्छा बच्चा है बेटे, तो उससे ब्याह करना चाहती है, हमें कोई इतराज नहीं है। और वो जो सविता और
सेठ की फोटो का ड्रामा था वो सब एक झूठ था। मैंने और साठे साहब ने मिलकर प्लानिंग की थी तुम्हें अलग करने की। तू उससे शादी कर ले बेटा। बाबा क्या ये बात सच है? आप दोनों हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? शुक्लमा सर, गलती हो गया मेरा बेटा। मैं मेरे एक बेटे को खो चुका हूं, दूसरे को नहीं खोना चाहता। सिड़ घर छोड़ के चला गया है, पता नहीं कहां किस हाल में। मैं उसे बहुत प्यार करता हूं बेटा। तू जाके उसे ढूंढ ला, फिर तुम दोनों जो कहोगे वो हम करने के लिए तैयार हैं। अब तो एक ही रास्ता है बाबा, लेकिन वो भी तो हिमालय गए हैं ना। कोई नहीं, हम ना बाबा जी की फोटो के आगे हाथ जोड़ते हैं, जरूर कुछ ना कुछ होगा। आओ आओ जी। चलो, अब आपका ही सहारा है बाबा, कोई रास्ता दिखाओ ना। कहाँ ढूंढे सिद को, कहाँ जाए? टीवी पर फोटो दे। ये टीवी से कुछ होने वाला नहीं है, जाओ रेडियो सुनो। चमत्कार, बाबा फोटो से बोल पड़े। अरे बेवकूफो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। अब बाबा भी इधर? आज ही आया हिमालय से, आते ही पता चला मेरी बेटी परेशान है। हाँ। चलकर आ गया मैं। जय हो बाबा। जय हो बाबा। अरे ज्ञान गुरु को फोन करो, मैं अपने सिद्धार्थ को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो ज्ञान गुरु के रेडियो पे प्रोग्राम सुन रहा होगा। रेडियो जल्दी। दोस्तों, इस शो की हमारी अगली कॉल लग चुकी है, देखते हैं वो कॉलर कौन है। लग गया मेरा फोन। हेलो। हेलो ज्ञान गुरु, मैं आशीष बात कर रहा हूँ। अरे साकी, मेरा दोस्त सिद्धार्थ घर छोड़कर चला गया है और वो आपके शो का बहुत बड़ा फैन है। एंड आई एम श्योर जहाँ भी होगा इस वक्त आपका शो तो जरूर सुन रहा होगा। बस उस तक एक बात पहुँचानी है आपके शो के जरिए। बोलो आशीष, क्या कहना चाहते हो तुम सिद्धार्थ से? सिड, मैं जानता हूँ तुम मुझे सुन पा रहे हो, तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। मैं और शन्नो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, हमारे बीच में और कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट मैं तो स्वाति से प्यार करता हूँ। भाई तुम जहाँ भी हो, जैसे भी हो, बस घर चले आओ, तुम्हारी माँ बहुत। दे दे मुझे दे फोन। हेलो सिद, आई बोल तेरे बाड़ा, कहाँ चला गया तू? तुझे हमारा जरा भी ख्याल नहीं आया? आई एक मिनट। देख सिद, मुझे पता है तू हमारी आवाज सुन रहा है। हाँ, बहुत नाटक हो गया तेरा, अब जल्दी से वापस घर आ जाओ। और ये जो सविता वाला केस है ना, मुझे पता है वो सब फेक है, ओके? सो जहां भी है, कम बैक होम राइट नाउ। और तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे ढूंढ नहीं पाऊंगी? जस्ट वेट, आई एम कमिंग फॉर यू, ओके? मुझे पता है सिड कहां है। कहां बताऊं? अरे बताना, भाव क्या खा रहा है, कहां है वो? सैवियो के अड्डे पे। सैवियो के अड्डे पे। चलो 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 बेटा चलो, जल्दी जाओ जाओ, खुश रहो। चले। एक मिनट। हेलो बाबा। हाँ स्वाति, कहाँ है तू? बाबा मैं आशीष के साथ हूँ, साठे और कपूर अंकल भी हमारे साथ है, सिद का पता चल गया। कहाँ है वो? सेवियो बार जुहू। ठीक है, मैं वही पहुँचता हूँ। किधर? अरे भाई कहाँ? सीधा सीधा आगे। किधर? आगे इधर या आगे उधर? हाँ हाँ हाँ, यहाँ से चलो यहाँ। तुम? You know what, Sid?
प्रॉब्लम से भागने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। अगर आप किसी को चाहते हो तो उसको पाने के लिए लड़ो और इतनी आसानी से उसे जाने मत दो। और क्या कह रहे थे तुम हितू से? कि तुम मुझे दुनिया नहीं घुमा सकते हो, मुझे बड़ी गाड़ियां नहीं दे सकते हो, किसी और के साथ मर्सिडीज में बैठने से अच्छा मैं तुम्हारे साथ ऑटो में घूमूं। इतनी छोटी सी बात तुमको समझ में नहीं आती? मैं तुम्हें वो जिंदगी नहीं दे सकता शन्नो जो आशीष दे सकता है। अगर तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने की सोचता भी हूं तो आई बाबा दूर हो जाते हैं। क्या करूं, कहां जाऊं, किस किस से लड़ूं मैं? बेटा तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। बाबा आई। हाँ मेरे बेटे, तू हमारे साथ ही रहेगा और शन्नू भी। लेकिन हाँ, घर का बॉस मैं ही रहूंगा, याद रहे शन्नू। शन्नू तू घबरुनों को संभाला, हम दोनों माँ बेटी मिलकर इनकी खूब क्लास लेंगे। हाय रब्बा, इतनी जल्दी मेरी बेटी पराई हो गई। फार्टिंग इज वेरी पेनफुल। फार्टिंग नहीं आंटी, पार्टिंग इज पेनफुल। अरे यार, अंग्रेजी में कोई हाथ नहीं पकड़ सकता मेरी बीवी का। हाँ थैंक यू, अब मेरे हाथ की छोड़ो, ये सोचो इसका हाथ कौन पकड़ेगा। ओहो उसकी चिंता मत करो, उसके लिए लड़की ढूंढ ली है। साढ़े साहब प्लीज इफ यू डोंट माइंड। नाड़करणी, या या। नमस्कार। नमस्कार नाड़करणी साहब। देखिए मैं तो मानता हूं कि बच्चों की खुशी में ही माँ बाप की खुशी है, इसीलिए आपकी इजाजत हो तो मैं स्वाति का हाथ आशीष के हाथ में देना चाहता हूं। साढ़े साहब, आपने हमेशा मेरी स्वाति को अपनी बच्ची की तरह समझा है। थैंक यू वेरी मच। काश मेरे भी माँ बाप होते तो शायद मेरे भी हाथ पीले हो जाते। You're brilliant, sir. जब तो नच दिए देसी दुपट्टा लेके मुंडे तक देने सीटा उते बै बै के, जब तो नच दिए देसी दुपट्टा लेके मुंडे तक देने सीटा उते बै बै के, जब तो हिले तेरा लक साडी हिलदी नहीं अख, हिले तेरा लक साडी हिलदी नहीं अख, पार्टी विच लगे फिट सोहनिए, तेरा ठुमका सुपर हिट सोहनिए, तेरा ठुमका सुपर हिट सोहनिए। बल्ले बल्ले जवानी वाला साल आ गया, बल्ले बल्ले जवानी वाला साल आ गया, अड्डी मार की मैं नच दी जावा कि फ्लोर ते भुचाल आ गया, तू मनिया ना मनु ओ चौदवी दा चन तेरे मुखड़े नु है चुमदा, जद लगे तू नचन डीजे फड़ के बटन उच्ची कर दिंदा वॉल्यूम दा, अखियां दी लिकर भी के डोल दे स्पीकर अज सानू भी पिला दे लिटल बिट सोनिए, तेरा ठुमका सुपर हिट सोनिए, तेरा ठुमका सुपर डुपर